नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा साइड बार था, इसे हमें यहाँ से हटा करके जैसा ये साइड बार है, इस तरीके का साइड बार क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम सारे जो हैं अपनी साइड बार वाले कस्टमर वाले साइड बार जो पीएचपी है, कस्टमर वाला है ये, ठीक है ना, ये साइड बार डॉट पीएचपी, सारे कोड हम हटा चुके हैं। और अभी हम शुरू करते हैं लिखना इस तरह से, इसे हमें जो है बनाना है, तो हम वही लिखेंगे जो ऐसा इसमें है। ठीक है, आइए चलते हैं कोरिडर पे और शुरू करते हैं अपना वर्क। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, एक डिप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस डिप को हम एक क्लास देंगे पैनल की, और उसके बाद में इसको हम पैनल डिफॉल्ट करेंगे, पैनल डिफॉल्ट की क्लास लगाएंगे। फिर हम साइड बार मेन्यू की भी लगा देंगे यहीं पे, साइड बार मेन्यू। ओके, फिर आते हैं नीचे, एक और डिप क्रिएट कर लेते हैं, एक और डिप क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। और इस डिप के भी हमें क्लास लगाते हैं यहाँ पे पैनल हेडिंग की, क्योंकि वहाँ पे हेडिंग की बात आ रही है, पैनल हेडिंग हेडिंग की। तो ये पैनल कभी यूज़ करते हैं, कभी हेडिंग, कभी बॉडी और कभी फुटर। तो ये सारे चीज़ें हेडिंग में हेडिंग, बॉडी में बॉडी और फुटर में फुटर, तो इसे हम देखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, अगर आप थोड़ा बहुत भी सीएसएस की जानकारी आपको है तो, बूटस्ट्रैप की। ठीक है, यहाँ सेंटर में हम क्या लगाएंगे दोस्तों, इमेज। ठीक है फ्रेंड्स, आए चलते हैं अपने, हम दिखाते हैं आपको, हमने अपने जो कस्टमर का फोल्डर कस्टमर इमेजेस के नाम से, उसमें हमने एक इमेजेस जो है डाल रखी है पहले से, और इस इमेजेस को हम देखते हैं। ये हमारा जैम फोल्डर, यहाँ पे हम आ गए एसटी डॉक्स पे, और यहाँ पे है ईकॉम। एंड ईकॉम के बाद हम आते हैं एडमिन एरिया, सॉरी एडमिन नहीं, कस्टमर। एंड देन कस्टमर में आपको कस्टमर इमेजेस में मिल रहा है एक इमेज अनवेश के नाम की, यह है जेपीजी मेरी इमेज। और आइए चलते हैं यहाँ पे, और इसको हम करते हैं, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये SRC इसको देते हैं कस्टमर इमेजेस, कस्टमर इमेजेस स्लैश नेम अनवेश डॉट जेपीजी। ओके, एंड वॉट, यहाँ पे इसकी क्लास भी लगा देते हैं IMG रेस्पॉन्सिव। ठीक है फ्रेंड्स, IMG रेस्पॉन्सिव की क्लास हमने यहाँ पे लगा दी। एंड देन हम आ गए सेंटर टैग से नीचे, यहाँ पे करते हैं एक BR, और इसके भी नीचे आने के बाद एक हम लेते हैं आपका H3 हेडिंग, और यहाँ पे लिखते हैं नेम। लेकिन उससे पहले इसको हम करते हैं अलाइन सेंटर, एंड इसकी भी एक क्लास हम देते हैं पैनल टाइटल का, है ना, पैनल टाइटल TITLE। ओके, और यहाँ पे देते हैं नेम, फ्रेंड्स नेम दे देते हैं यहाँ पे ऐसे। कंट्रोल एस टू सेव, चलते हैं ब्राउज़र पे, करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं हमें क्या मिला है इसको करने से। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सेम टू सेम जैसा इसमें है, इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर चुके हैं, और बाकी आगे का काम हम करते हैं। चलते हैं कोड एडिटर पे। अभी हम यहाँ से जो आपकी पैनल हेडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया ना, हेडिंग बॉडी और फुटर, सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं इसमें। अभी हम इसको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे बता देते हैं कि यह है पैनल की हेडिंग, यहाँ से आपकी स्टार्ट, ठीक है, पैनल हेडिंग यहाँ से हो रही है स्टार्ट, और पैनल हेडिंग यहाँ पे हो रही है क्लोज, ठीक है, यहाँ पे हो रही है क्लोज पैनल की हेडिंग आपकी। देन व्हाट, देन ये कि अब हम आते हैं इस हेडिंग के नीचे, और यहाँ बनाते हैं उसकी बॉडी, जैसे कि इसको क्लास देते हैं पैनल बॉडी की, पैनल बॉडी की, ठीक है दोस्तों, पैनल बॉडी की हम क्लास यहाँ पे लगाए, और उसके बाद हम UL अपना लगा दिए, एंड ऑर्डर लिस्ट, इसको भी हम एक क्लास देंगे, नैव फॉर नैव। देन हम नैपल्स इसको कर देंगे, नैपल्स एंड नैव स्टैक, नैव स्टैक, ये स्टैक, ठीक है। और आते हैं इसके अंदर और लिखते हैं LI अपना, और इस LI के अंदर हम लगाते हैं एंकर टैग, और इसी में हमें अब ऐसे ही कर करके यहाँ पे जैसे दिखा देते हैं हम आई ऑर्डर
ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे रेफरेंस में हम दे देते हैं, जब कोई इस बंदा इस पर क्लिक करे तो वो कहाँ को जाए, तो वो इसी पेज पे आ जाए ऑर्डर का रेफरेंस लेकर के, वहाँ से ऑर्डर आईडी लेकर के। तो वो हम करेंगे पीएचपी के थ्रू ही, बट अभी के लिए आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे गेट के थ्रू उसको ले लेते हैं। एक मेथड होता है पोस्ट और होता है गेट। जब कोई वेरिएबल आ रहा हो यूआरएल से, उसको यहाँ पे कैच करेंगे तो उसके लिए हम गेट का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे गेट वेरिएबल का प्रयोग कर रहे हैं जो बना रहे हैं हमारी ऑर्डर के नाम से। तो सारी चीज़ें हम अभी आपको डीपली यहाँ पे नहीं बताएंगे, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से सीखेंगे जब हम अपना साइट को डायनेमिक करेंगे और पीएचपी का यूज़ करके उसमें डेटा को रिटाइप करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, करते हैं आगे काम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।